नमस्कार, मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योग शिक्षण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन सीधी कर लें, मन को शांत और स्थिर करें, सहज करें। मन ही मन उस ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चार करेंगे। इनहेल, ओम, इनहेल, ओम। इनहेल, ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चार करेंगे। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। द्रव्यभूत पाम मसाज योर फेस, रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए फर्स्टली कपालभाति करेंगे। दोनों हाथ नीज पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एल्बो वाइडली ओपन। जिन्हें हरण या माइग्रेन, हाई बीपी, अल्सर है वो लोग नहीं करेंगे, वो अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति करेंगे। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, स्टार्ट योर स्ट्रोक्स।
लास्ट 2 मिनट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम रिलैक्स, डीप इनहेल, चिन टू चेस्ट लॉक, ब्रीथ होल इनसाइड, चिन अप एंड रिलैक्स, वंस अगेन डीप इनहेल, लॉक योर चिन, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड। Chin up and relax, relax. कल हमने लिया था ब्रोंकाइटिस, आज हम लेने वाले हैं सीओपीडी, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। प्रीवियस वीक ने हमने कोल्ड और कॉफ कफ लिया था, तो उससे रिलेटेड ही आगे आगे, मतलब अभी विंटर है तो सबको सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, तो कोल्ड कफ होता है, उससे आगे फिर ब्रोंकाइटिस, और ये पूरा वीक, मतलब कल से हम फ्राइडे तक पूरा वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही लेंगे, मतलब हमारे लंग्स की जो समस्या है, लंग्स के रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर सब लेंगे फ्राइडे तक, ठीक है। ये पूरा वीक हमारा वही होगा, मतलब ब्रोंकाइटिस उसके रिलेटेड। अभी कल ब्रोंकाइटिस लिया तो वो स्टार्टिंग स्टेज है, और आज जो है सीओपीडी वो उस ब्रोंकाइटिस का क्रॉनिक स्टेज है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, वो मेनली लंग्स की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है सीओपीडी, तो उसके ऊपर आज हम लेंगे। तो ये पूरा वीक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही जाने वाला है। वो प्रीवियस में हमने कोल्ड कफ लिया था जो उसका स्टार्टिंग, फिर आगे आगे मतलब उसके रिलेटेड ही है, अभी विंटर है तो उसके रिलेटेड ही सब रहेगा, तो ये पूरा वीक हमारा उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग, खड़े हो जाएं, स्टैंड अप, दोनों हाथ कमर पे, नेक अप एंड डाउन, ग्रीवा संचालन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट, नाइन, टेन, साइडवेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्कल, नेक रोटेशन, वर्टिगो वाले नहीं करेंगे, या स्लो करें। इनहेल
एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reverse anti clockwise. Inhale. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Look up, stretch your mouth like a fish. Mouth open and close, stretch your mouth. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rub your both palms, massage your throat upward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. मैट के आगे खड़े हो जाएंगे, डायनेमिक सूर्य नमस्कार करेंगे. जिनसे नहीं हो रहा है और हाई बीपी क्रॉनिक जिनको रहता है वो लोग डायनेमिक नहीं करेंगे, वो स्लो करेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ, ब्रीथ के साथ, अपने हिसाब से. ठीक है, स्लो करेंगे. जिनको हाई क्रॉनिक बीपी रहता है, हाई बीपी, वो लोग नहीं करेंगे डायनेमिक. बाकी सब लोग डायनेमिक करेंगे. मैट के आगे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, लेग्स जॉइंट. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. संगीता मैम स्लो कीजिए, जितना आपसे होए. राइट लेग बैक, दंडासन, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन. राइट लेग फॉरवर्ड, बोथ लेग्स टुगेदर. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. राइट लेग बैक, नी को टच नहीं करना है, डायरेक्ट दंडासन, अष्टांग, नी चेस्ट और चिन टच, हिप्स अप, स्टमक अप. भुजंगासन, पर्वतासन. राइट लेग फॉरवर्ड, बोथ लेग्स टुगेदर. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. राइट लेग बैक, दंडासन, अष्टांग, भुजंगासन. संगीता मैम आप चेयर सोफे पे बैठ जाइए, पर्वतासन. बैठ के साइड स्ट्रेचिंग कीजिए, राइट लेग फॉरवर्ड, साइड स्ट्रेचिंग कीजिए, ट्विस्टिंग कीजिए, बोथ लेग्स टुगेदर या अनुलोम विलोम कीजिए. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. राइट लेग बैक, दंडासन, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन. राइट लेग फॉरवर्ड, बोथ लेग्स टुगेदर. इनहेल अप एंड रिलैक्स. लास्ट राउंड करेंगे होल्डिंग के साथ. ठीक है, लास्ट राउंड होल्डिंग के साथ. आ जाए सभी लोग, साला मैम आ जाए. और हेमा मैम और साला मैम, अष्टांग में एल्बो को नीचे टच नहीं करना है, एल्बो अप रखनी है, पाम्स के सपोर्ट से करना है. ठीक है, एल्बो नीचे टच नहीं करना है. हेमा मैम हेड टच नहीं करना है, चीन करना है अष्टांग में. ओके ठीक है, चलिए अभी होल्डिंग करेंगे. 10 काउंट होल्डिंग हर एक पोस्चर में. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा.
इनहेल, बैक बेंड, ऊर्ध्वहस्तासन, चेस्ट ब्रीदिंग ऑन एंड ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
5 6 7 8 9 10 एक्सहेल करेंगे लोअर बैक से नीचे 1 2 ब्रीद ऑन एंड ऑन 3 नी स्ट्रेट 4 5 6 7 8 9 10 राइट लेग बैक नी टच टो फ्लैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दंडासन हीना मैम हिप अप 1 2 हिप हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 अष्टांग नी चेस्ट और चिन टच हिप्स अप स्टमक अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप भुजंगासन लुक अप शोल्डर रोल बैक चेस्ट ओपन अप 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्वतासन में नहीं जाना है 9 10 भुजंग में से शशांकासन में जाएंगे डायनेमिक भुजंग टू शशांक हाथ वही रहेंगे चाइल्ड पोज टू भुजंगासन हाथ वही रहेंगे बार बार हाथ चेंज नहीं होगा स्टार्ट 1 भुजंगासन में जाए सभी लोग 2 शशांकासन 3 4 5 6 7 8 साला मैम डायनेमिक करना है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड होल्ड इन शशांक 20 एंड होल्ड इन शशांकासन चाइल्ड पोज में होल्ड करेंगे हिप हील को टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शशांक में से पर्वतासन डायरेक्ट नी अप कीजिए पर्वतासन में माउंटेन माउंटेन में होल्ड 1 2 3 हीना मैम हाथ को थोड़ा आगे लीजिए 4 और आगे लीजिए और बॉडी को इनसाइड पुश कीजिए 5 6 7 8 9 10 राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन योर हैंड्स राइट लेग फॉरवर्ड हेमा मैम लेग को आगे लाइए नी आगे नहीं नी पे प्रेशर आएगा फुट आगे लाइए दोनों पैर के बीच में हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोथ लेग्स टुगेदर पादहस्तासन नी स्ट्रेट पूरा बॉडी वेट टो पे हिप को आगे की ओर पुश कीजिए कोर एंगेज 1 2 3 बैक में हंच नहीं 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप बैक बेंड ऊर्ध्वहस्तासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ट्विस्टिंग करेंगे थोड़ा 10 काउंट ट्विस्टिंग कीजिए ट्विस्ट 1 टू ट्विस्ट करें थ्री संगीता मैम आ जाए अभी सब करना है आपको फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन साइड स्ट्रेच 1 2 3 साइड स्ट्रेच 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स रिलैक्स, डीप इनहेल एक्सहेल। चलिए आ जाए वज्रासन में, बैठ जाए वज्रासन में, बैठ जाए सभी। अगर नी पेन है, क्रॉनिक पेन है, नी के नीचे कुशन, टॉवेल, बेडशीट कुछ भी रख सकते हैं। नी में प्रॉब्लम है तो नी के नीचे कुशन या बेडशीट कुछ भी रख दीजिए, मैट को फोल्ड करके रखें चलेगा। चलिए बैक स्ट्रेट, वज्रासन में बैठे, डीप इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ नीज पे, कमर सीधी, इनहेल एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स, वज्रासन में ही करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल सामने, इनहेल करते हुए हाथ को बाहर की ओर फैलाना है, मैक्सिमम चेस्ट ओपन करना है, लंग्स में जितना हो सके ब्रीथ को अंदर तक जाने देना है। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ इनसाइड बैक में हंच बनाएंगे और चेस्ट इनसाइड लेंगे, ठीक है, चिन चेस्ट पे लॉक करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे, इनहेल बोथ हैंड्स ओपन, एक्सहेल हैंड इनसाइड, वन कंटिन्यू, टू डायनेमिक, थ्री इनहेल एक्सहेल के साथ, फोर इनहेल हैंड्स आउटसाइड एक्सहेल हैंड इनसाइड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, मैक्सिमम इनसा इनहेल करें, फिफ्टीन, धीरे धीरे ब्रीथ को पूरा भरे अंदर, सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड होल्ड आउटसाइड, होल्ड करें ब्रीथ, चेस्ट ब्रीथ इन, आउटसाइड होल्ड करें। जब हम इनहेल करते हैं तो हम अपने अंदर नाइट्रोजन को 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एक्सहेल एक्सहेल करें दोनों हाथ इनसाइड, और जब हम एक्सहेल करते हैं सेम नाइट्रोजन 78% बाहर छोड़ते हैं, लेते भी उतना है छोड़ते भी उतना है। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं तो छोड़ते 17% है, ठीक है, ऑक्सीजन हम कम छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.03% लेते हैं तो 4% बाहर निकालते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, तो ज्यादा से ज्यादा हम कैसे क्यों बोलते हैं कि इनहेल से डबल आप एक्सहेल कीजिए, मतलब जितना आप इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा बाहर निकालें, क्योंकि हम जितना बाहर निकालेंगे ज्यादा उतना कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, और जितना अंदर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को ज्यादा अंदर लेते हैं हम, इसलिए हमें एक्सहेल डबल करना है इनहेल से, ठीक है, पर्पजली करना है डबल। चलिए अभी आ जाएंगे नीज पे, आ जाए आगे क्या करेंगे, उष्ट्रासन की पोजीशन में, दोनों नीज के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, पीछे भी दोनों फुट के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, साला में मेन डिस्टेंस बढ़ाए, मोर डिस्टेंस साला में, नी में मोर डिस्टेंस, पीछे फुट में भी मोर डिस्टेंस। हाँ अभी इनहेल करते हुए वन हैंड शोल्डर रोल बैक करके पीछे लेके जाना है, जिनसे हाथ हील पे नहीं पहुंच रहा है वो अपनी बैक के ऊपर रखेंगे। पहले देखा दीजिए जागृति में, पहले जिनसे हाथ नहीं पहुंचेगा वो बैक के ऊपर रखेंगे, फिंगर इनसाइड या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, नीचे फिंगर रख के भी रख सकते हैं, कमर को पकड़ पे के भी रख सकते हैं, ये पहला वेरिएशन है जिनसे नहीं जा पा रहे हैं नीचे वो, ठीक है, ये पहला वेरिएशन। अगर जा पा रहे हैं तो हाथ हील पे टच कीजिए, फिर अगेन दूसरा हाथ ऊपर, आपकी चेस्ट सीलिंग की तरफ रहेगी, दोनों शोल्डर वन लाइन, कोशिश करें, ये फाइनल पोस्चर है, 20 काउंट होल्ड करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग ऑन एंड ऑन। चलिए स्टार्ट करेंगे,
इनहेल, शोल्डर रोल बैक, चेस्ट ओपन अप, होल्ड, चेस्ट ब्रीदिंग, वन, हिप को आगे की ओर पुश करें, लोअर बैक से बैक बेंड, टू, थ्री, संगीता मैम ओपन अप करें, बैक पे रख दीजिए हाथ, फोर, फाइव, हाँ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी. इनहेल, क्रॉस होके आए, क्रॉस होके डायरेक्ट कभी नहीं आना है, थोड़ा साइड होके ही आना है क्योंकि बैक में जर्क नहीं लगे. संगीता मैम हाथ छेने कान नी बाजू मारा खानू अने चेस्ट तमारो सीलिंग तरफ, क्रॉस नहीं, जेटलू था एटलू करो पण चेस्ट ने ऊपर नी तरफ, ठीक है? एटले बैक ऊपर हाथ राखो, भले नीचे न जाए पण चेस्ट सीधू ज ऊपर तरफ, ओके? अने हाथ छूटो नहीं कान नी बाजू में. चलिए, हैंड चेंज, इनहेल, शोल्डर रोल बैक, अदर हैंड बैक. चलिए, वन, लुक अप सीलिंग की तरफ, टू, चेस्ट सीलिंग की तरफ, थ्री, फोर, लोअर बैक से बैक बेंड, फाइव, संगीता में हैंड कान्नी पासे, सिक्स, सेवन, बैक बेंड करो, बैक बेंड करो, एट, हाँ, नाइन, टेन, पेल्विक आगे पुश कीजिए, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, हेमा मैम बैक पे हाथ रख दीजिए, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी. इनहेल, क्रॉस होके आए, क्रॉस होके डायरेक्ट नहीं आएंगे, यस, रिलैक्स. अभी दोनों हाथ हमें हील पे टच करने हैं, जिनसे नहीं हो रहा है वो बैक पे रखेंगे, जबरदस्ती से नहीं करेंगे, जिनसे भी नहीं हो रहा है बैक पे रखें और जाए. संगीता मैम बैक पर हाथ रख जो अनजो जो, पर पेल्विक ने आगर पुश करवानू, चेस्ट ओपन अप, ठीक है? हेमा मैम नहीं हो रहा है तो बैक पे हाथ रख दीजिएगा, चलेगा, ठीक है? चलिए, आ जाए नी पे, नीज पे आ जाए, खड़े हो जाए, वन बाय वन हैंड लेंगे. इनहेल करते हुए शोल्डर रोल बैक, वन हैंड बैक टच, देन अदर हैंड बैक टच, फिर पेल्विक को आगे की ओर पुश करें, चेस्ट ओपन अप करें, नहीं हो रहा है तो कमर पे बैक पे हाथ रख दीजिए और पेल्विक आगे पुश कीजिए, वन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऑन एंड ऑन ब्रीथ, सेवन, एट, साला मैम नी के बीच में डिस्टेंस करें, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, हाँ, यस, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी. पहले वन हैंड रिलीज करें, क्रॉस करें और धीरे से ऊपर आए, यस, रिलैक्स, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें, ब्रीथ को नॉर्मल करें, चाइल्ड पोज में रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. इनहेल अप, दोनों हाथ पीछे से एल्बो टू एल्बो लॉक करेंगे नी पे ही, देख लीजिए पहले, बाद में कीजिएगा. एल्बो टू एल्बो लॉक करना है, देख लीजिए, बाद में करिएगा, ठीक है? फिर इनहेल करते हुए शोल्डर को रोल बैक करना है और लोअर बैक से बैक बेंड, मैक्सिमम पीछे की ओर, पेल्विक को आगे पुश करना है. जागृति मैम साइड से दिखाएं, दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस रखें, शोल्डर लेवल, तो ही बैलेंस रहेगा, पीछे फुट में भी डिस्टेंस. इनहेल, जागृति मैम दिखाएं, शोल्डर रोल बैक, चेस्ट ओपन अप, और जितना होता है बैक बेंड पेल्विक को आगे. चलिए, आ जाए पोजीशन में, पोजीशन में आ जाएंगे. इनहेल बैक होल्ड, वन, टू, थ्री, फोर, चेस्ट ब्रीदिंग, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स रिलैक्स, डीप इनहेल एक्सेल। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, फिंगर स्प्रेडेड, फिंगर ओपन अप। आपका थंब चेस्ट को टच नहीं होगा। पाम्स टाइटली जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट, हैंड्स टाइटली जॉइंट। चेस्ट से थोड़ा दूर रखेंगे, टच नहीं करेंगे चेस्ट को। चेस्ट के सामने आपके पाम्स होने चाहिए। फिंगर स्प्रेडेड, फिंगर को पूरा स्प्रेड कीजिए। यस, इनहेल शोल्डर रोल बैक, शोल्डर को पूरा रोल बैक करें। एक्सहेल बैक बेंड, चेस्ट ब्रीदिंग वन, मैक्सिमम बैक करें लोअर बैक से, पेल्विक को आगे पुश करें। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन 20, रिलैक्स, धीरे से आगे, रिलैक्स, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें, चाइल्ड पोज में रिलैक्स, नीज को वाइडली ओपन कर दें, हैंड स्ट्रेच, हेमा मैम हाथों को स्ट्रेच करें आगे, एल्बो स्ट्रेट कर दें, साला मैम एल्बो स्ट्रेट, हाथों को मैं डिस्टेंस करें, हाथों में, हैंड्स में डिस्टेंस करें, साला मैम दोनों हैंड्स बिटवीन योर दोनों हैंड्स, डिस्टेंस डिस्टेंस। यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स, कम अप, लाई डाउन ऑन योर बैक, बैक के ऊपर सो जाएं, लाई डाउन ऑन योर बैक। कंद्रासन करेंगे, दोनों नीज फोल्ड, नीज के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, बिटवीन योर लेग्स शोल्डर लेवल डिस्टेंस, पाम्स डाउनवर्ड ऑन द फ्लोर। इनहेल, इनहेल करते हुए हिप अप, चेस्ट रीजन अप, स्टमक रीजन अप, मैक्सिमम हिप को ऊपर लेना है, आपका चिन आपके कॉलर बोन पे टच हो जाए ऑटोमेटिक, उतना हिप को ऊपर लेने की कोशिश करें। एंकल को होल्ड नहीं करना है, पाम्स नीचे की ओर रहेंगे। होल्ड 20 काउंट, वन इनहेल एक्सहेल चालू, ऑन एंड ऑन टू थ्री, होल्डिंग में आपके हिप को ऊपर की ओर पुश करते रहें। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलैक्स रिलैक्स। चंद्रासन में बेसिकली जितना आप हिप को ऊपर करते हैं आपका चेस्ट ओपन होता है, और जितना चेस्ट ओपन होगा उतना आप ब्रीथ को लंग्स तक प्रॉपरली ले जाएंगे, ऑक्सीजन को पूरा अंदर तक ले पाएंगे। इसमें सभी आसन में बेसिकली आपकी चेस्ट ओपन अप करने के आसन है, जिससे आप ब्रीथ प्रॉपरली अंदर ले पाए, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा पाए, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है उसका कार्य प्रॉपर से होता है और आप अंदर श्वास को ऑक्सीजन को पूरी तरह बराबर से ले पाते हैं, तो जो आईएडीएस है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी सेम करना है, हिप को अप करेंगे और दोनों हाथ आपकी कमर के ऊपर सपोर्ट के लिए रखेंगे। कमर के ऊपर हाथ रखने के लिए आपकी फिंगर्स अपवर्ड होंगी, थंब नीचे होगा, और एल्बो जितनी होता है अंदर की तरफ लेनी है, एल्बो को आउटसाइड नहीं रखना है, जितना होता है अंदर की तरफ लेना है। जितनी आपकी एल्बो अंदर होगी उतना आपका हिप ऊपर उठेगा, तो पहले वन साइड थोड़ा क्रॉस होके एल्बो को अंदर डालेंगे, बाद में दूसरी साइड क्रॉस होके डालेंगे, तो इजीली कर पाएंगे। जागृति में फिर से बताएं, फिर से नीचे आ जाएं।
देख लीजिए, जिनको नहीं पता चल रहा है कैसे करना है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। पहले हम सोए हुए हैं, नी फोल्ड है, दोनों लेग के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस है। इनहेल करते हुए हिप को थोड़ा ऊपर करें और वन हैंड थोड़ा क्रॉस होके अंदर डालें, फिंगर अप, थम नीचे, फिर अदर साइड से, और एल्बो को जितना होता है अंदर, ये पोस्चर में आना है फाइनली। चलिए आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। हेमा मैम, एल्बो को अंदर लीजिए, इनसाइड एल्बो इनसाइड पुश कीजिए, पूरा प्रॉपर हाथ को प्रॉपरली सपोर्ट दें बैक को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स रिलैक्स। अभी सेम करना है, आपको सपोर्ट देके रखना है, लेकिन 10 10 काउंट्स, वन वन लेग होल्ड करेंगे अप 90 डिग्री। पहले हिप अप करेंगे, एल्बो से सपोर्ट देंगे, उसके बाद वन लेग को 90 डिग्री अप करके होल्ड करेंगे 10 काउंट। नीचे नहीं आना है, लेग नीचे, लेग चेंज, अदर लेग 10 काउंट अप, उसके बाद नीचे आना है, ठीक है। चलिए आ जाए पोजिशन में, इनहेल, हिप अप, सपोर्ट दे एल्बो से, हाथों से सपोर्ट दे, बैक अप, वन लेग अप 90 डिग्री, 1, 2, 3, नी स्ट्रेट, टो स्ट्रेच, 4, 5, सपोर्ट देंगे तो हिप अपर होगा, 6, ताला में हाथों से सपोर्ट दे ऐसे नहीं, 7, 8, 9, 10, लेग चेंज, ताला में एल्बो नीचे टच कीजिए तो हिप ऊपर होगा, 1, 2, लेग चेंज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। हाथों से एल्बो को नीचे प्रॉपरली रखना है, खाली हाथ कमर पर रखेंगे तो नहीं होगा, एल्बो आपका सपोर्ट एल्बो से नीचे टच होगा तो सब ऊपर आएगा ना हिप, एल्बो ही नीचे नहीं होगा तो हिप कैसे ऊपर आएगा। चलिए अभी पहले देख लीजिए प्रॉपरली क्या करना है, लास्ट वेरिएशन है, देख लीजिए प्रॉपर से। इसमें आपके मिडल बैक और लोअर बैक पे पूरा प्रेशर आने वाला है, लेकिन वो प्रेशर आपको बेयर करना है, बैक के लिए अच्छा है बहुत ही। देख लीजिए, पहले इनहेल करते हुए हम कंधारासन में आएंगे, पाम्स नीचे रहेंगे, पाम्स नीचे रहेंगे, धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट करना है, पूरा नी को स्ट्रेट कर देना है और हील पे आ जाना है। पहले पूरा देख लीजिए, हील पे आ जाना है, नी स्ट्रेट रहेगी पूरा हील पे, टो स्ट्रेट, आपके बैक में थोड़ा ऐसा कर्व जैसा होगा और वो हम 20 काउंट इधर होल्ड करेंगे, प्रेशर आएगा आपकी बैक पे, मिडल बैक और लोअर बैक, ठीक है। फिर धीरे से नीचे, चलिए आ जाए पोजिशन में, आ जाए कंधारासन में, आ जाए सभी लोग, पहले कंधारासन में आ जाए, पाम्स नीचे रहेंगे, पाम्स नीचे फ्लोर पे, इनहेल, हिप अप, दोनों लेग धीरे धीरे स्ट्रेट कर दीजिए, नी को वन बाय वन लेके जाएं, जैसे आपको ठीक लगे, साथ में वन बाय वन, जैसे आपको ठीक लगे नी को स्ट्रेट कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए पूरा लेग स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हीना मैम नी स्ट्रेट, 7, 8, 9, 10, 5 मोर, 4, साला मैम नी स्ट्रेट, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से रिलैक्स, बैक नीचे, पवन मुक्तासन करें, 5 काउंट, रिलैक्स करें, हेड नीचे ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स रिलैक्स, दोनों लेग सीधा स्ट्रेट, बोथ लेग स्ट्रेट, मत्स्यासन करेंगे, दोनों लेग्स जॉइंट, आपके पाम्स के सपोर्ट से
आपके दोनों हाथ पीछे की ओर, आपके क्राउन एरिया को फ्लोर पे टच करना है, क्राउन एरिया को फ्लोर पे टच करना है। जितना आपका क्राउन अंदर जाएगा आपका बैक उतना ऊपर आएगा। एल्बो टच करने की कोशिश करें, दोनों पाम्स आपकी थाइस के ऊपर। होल्ड करेंगे, 1 2 है मामे, ऊपर कीजिए, नेक को अंदर लेके जाएं, 3 4 5 6 7 8 9 चेस्ट जितना होता है ओपन अप कीजिए, बैक जितना ऊपर होगा चेस्ट उतनी ओपन अप होगी। यस, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपके दोनों पाम्स देख लीजिए कैसे करना है। दोनों पाम्स को ऐसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं ना, पाम्स को नीचे की ओर रहेगा, आपकी हिप के नीचे, पाम्स हिप के नीचे रखने हैं और सेम मत्स्यासन करना है। क्राउन एरिया को अंदर लेके जाना है, बैक को ऊपर, एल्बो डाउन, आपका पाम्स डाउनवर्ड रहेगा नीचे हिप के नीचे। जागृति मैम दिखाए फिर से कैसे रखना है, हाथों को दिखाए, पहले ऐसे हाथ रखेंगे और वो हाथ हिप के नीचे रखेंगे, ठीक है। दोनों लेग स्ट्रेट करेंगे, एल्बो अप, क्राउन अंदर, बैक पूरा ऊपर, 1 यस 2 पूरा प्रॉपर से हिप के नीचे रख दी, यस वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। होल्डिंग में कहीं भी ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, चेस्ट ब्रीदिंग ऑन एंड ऑन। लास्ट वेरिएशन करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सीलिंग की तरफ ऊपर, सेम पोजिशन, क्राउन एरिया अंदर, पहले क्राउन एरिया को अंदर लीजिए अपने हाथों से, सपोर्ट से प्रॉपरली पोजिशन ले लीजिए, उसके बाद दोनों हाथ सीलिंग की तरफ ऊपर, ठीक है। चलिए आ जाएं, 1 2 3 पावना में ऊपर, सीलिंग की तरफ, फैन की तरफ, पीछे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर सीधा 90 डिग्री, 4 पावना में ऊपर हाथ, 5 और लीजिए ऊपर, 6 हाँ 7 8 9 हेमा मैम एल्बो स्ट्रेट, 10 एल्बो स्ट्रेट कीजिए सीधा ऊपर ऊपर हाथ को ऊपर, हाँ 11 12 13 14 15 संगीता मैम नमस्कार मुद्रा, 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स इन शवासन, शवासन में रिलैक्स करें, डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स, मैट के जितना डिस्टेंस, पाम फेसिंग अप, डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल, फोकस ऑन योर ब्रीथ, कंप्लीटली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, कंप्लीट रिलैक्स। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसके सिम्टम्स क्या है? तो उसका सबसे पहला और खास सिम्टम्स है कि कफ का निकलना, कफ निकलता है वो उसका खास सिम्टम्स है। फिर सांसों में कमी आना, खांसी आना, अगर ये दोनों लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक ये दोनों लक्षण की अवधि बनी रहती है और धीरे धीरे समय के साथ वो लक्षण क्रॉनिक होते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं,
उसके कारण क्या है? ये तो हमने सिम्टम्स देखेंगे, कफ, सांसों में कमी, खांसी, लंबे समय की अवधि, ये उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन कारण किस कारण से होता है? तो इसका मूल कारण, जो कारण मेन कारण है, वो स्मोकिंग, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, टेबेको और स्मोकिंग। ज्यादा जो लोग ये करते हैं, मतलब जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो टोबैको ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग वो करते हैं, तो उन लोग को फेफड़े की समस्या, फेफड़े की, लंग्स की समस्या ज्यादा हो जाती है। तो स्मोकिंग, टबेको और स्मोकिंग जिनको आदत है, उन लोग को हो सकता है, वो कारण है। फिर पोल्यूशन, कुछ घरों में भी ऐसा प्रदूषण होता है, और आपके आजू बाजू के वातावरण में, अगर आप ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जिसमें ज्यादा पोल्यूशन है, प्रदूषण ज्यादा है, तो आपको ये रोग हो सकता है। और कभी कभी ये हेरिडिटी में भी आ जाता है। सीओपीडी की दो स्टेज है, दो अवस्था है। इसमें फर्स्ट है एम्फेजीमा, फर्स्ट स्टेज जो है उसका एम्फेजीमा है, और दूसरी अवस्था है, जो वो दूसरा स्टेज जो है, वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दो अवस्था है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दूसरी अवस्था उसकी है। जो पहला स्टेज है उसमें हमारी जो एल्वे लाइन है उसमें आंतरिक दीवार में इंफ्लामेशन हो जाता है, या उस वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ये रोग होता है और उसका विकृत स्वरूप ले लेता है। ये ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है हमारा लंग, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन में की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से। दूसरी अवस्था मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ, बलगम मतलब लगातार आता रहता है। अगर ये 2 साल तक, कम से कम 3 महीने तक रहता है, तो आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये कंसिडर होता है इसमें। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या लाभप्रद आहार, हल्का और शाकाहारी आहार ले, जिसमें श्लेष्मा उत्पन्न हो ऐसा आहार ले, ज्यादा भोजन ना करें, अति आहारी, ओवर ईटिंग ना करें, तेल, ऑयली और मीठे भोजन अधिक मात्रा में ना ले, ज्यादा नमक, ज्यादा चावल या मैदे से बनी चीजों से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फल और कच्ची सब्जियों का सेवन करें। अगर प्रारंभ में केवल फलों का रस लें, अंगूर और ऐसे मौसमी रस पर्याप्त मात्रा में लें, सीजनल फ्रूट का रसों का सेवन करें, जूस, सीजनल फ्रूट जूस ले ले लेकिन फ्रूट जूस लेना है, लेकिन सब जूस को मिक्स कॉकटेल बना के नहीं लेना है, अलग ही। अगर आप मौसम्बी का पी रहे हैं तो उसका ही पिए, संतरा का पी रहे तो उसका ही पिए, फिर सब मिक्स करके नहीं पीना है। प्रतिदिन एवरीडे ताजे लहसुन के कुछ दानों का सेवन जरूर से करें, और फलों में विशेषकर खासकर पपीता, पपैया लें। शाम के भोजन के बदले अदरक, काली मिर्च, दालचीनी एवं इलायची से तैयार की गई चाय पिए, पेप्सी, कोक आदि ड्रिंक्स ना लें, मैदे से बनी चीजों का सेवन ना करें, ज्यादा तेल में तली चीजें ना खाएं, ठंडी प्रकृति वाले आहार से बचें। अन्य सुझाव में ठंडी और वर्षा ऋतु में शरीर को गर्म रखने की कोशिश करेंगे,
गले एवं छाती को ठंड से बचाने के विशेष ख्याल रखेंगे, ढक के रखेंगे। बाहर निकलेंगे तो गले को और चेस्ट को ढक के रखेंगे। अगर साइटिस के आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो स्नान करना बंद करें या अधिक जल ना पिए। नेति विशेष स्तर किया जा सकता है। शाइनस अगर है तो जल, शीतल जल या बारी बारी से उष्ण और शीतल का लेप करने से आराम मिलता है। रात्रि में, रात को, नाइट को आप स्टीम ले तो उसमें विशेष आपको आराम मिल सकता है। और स्मोकिंग बिल्कुल कंपलसरी अवॉइड करें। रब्योबोध पाम मसाज योर फेस, टर्न ऑन ए लेफ्ट साइड। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा लगाएंगे। इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में टच करना है और थंब से इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है। वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में और प्रेस करना है, ठीक है? चलिए, कमर गर्दन सीधी, वायु मुद्रा दोनों हाथ में, आंखें बंद। आपका पूरा फोकस अपने हृदय चक्र यानी कि आपके अनाहत चक्र पे, जो हृदय के पास स्थित है, ग्रीन कलर। फोकस करें अपने हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र पे। वायु मुद्रा में बैठे, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरा फोकस आपके ब्रीथ के ऊपर, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी ब्रीथ की अवेयरनेस के साथ अनाहत चक्र पे पूरा फोकस। किसी भी मुद्रा को हमें टोटल दिन में 50 मिनट करना चाहिए। समय आपके हिसाब से कोई भी समय कर सकते हैं। अगर एक साथ 50 मिनट आपको बैठने का समय नहीं है तो आप 5 5 मिनट करके 10 बार, 10 10 मिनट करके 5 बार, या फिर जैसे भी आपकी समय की अनुकूलता है उस हिसाब से डिवाइड करके बैठ सकते हैं। आप वॉक करते हुए, बातें करते हुए, टीवी देखते हुए भी मुद्राएं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ही आपको मुद्रा लगानी है। मुद्रा लगाने के लिए आपको कंटिन्यू, मतलब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। आपका ऐसा नहीं है 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तब तक आपको मुद्रा लगाए तो, और श्रद्धा से लगाए, जरूर फायदा होता है, लेकिन 1 2 महीना तो आपको मिनिमम करना पड़ता है। स्लो प्रोसेस है लेकिन सटीक है। रिलैक्स करें। सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे, लेकिन जिनको हाई बीपी है वो लोग सूर्य वेदी नहीं करेंगे। सूर्य वेदी इसलिए करना है क्योंकि ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, जो भी लंग्स की समस्या है उसमें कफ जमा हो जाता है, तो वो कफ को तोड़ने के लिए हमें अंदर हीट पैदा करनी होती है। लेकिन जिनको हाई बीपी है उनको हीट ज्यादा होगी तो बीपी और बढ़ जाएगा, तो उन लोग को नहीं करना है। तो वो लोग या काली शीतलहरी करें या फिर चंद्र बेदी करें। ऑपोजिट, सूर्य बेदी में हम लोग राइट से लेते हैं, इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। चंद्र बेदी में लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है।
तो जिन लोग को हाई बीपी है वो चंद्रभेदी करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी सब लोग सूर्यभेदी करेंगे। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यूअसली यही साइकिल चलानी है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ओके। चलिए बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, राइट हैंड इन प्राणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, राइट थंब से सॉरी लेफ्ट से बंद करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, राइट थंब खुला रखेंगे, अपनी जो रिंग फिंगर है उससे आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। और जो लोग हाई बीपी वाले हैं वो लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, ठीक है। रिंग फिंगर से लेफ्ट बंद, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, अगेन राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है, यही साइकिल चलानी है, सूर्य भेदी प्राणायाम, पूरा फोकस और ब्रीथ के अवेयरनेस के साथ। धीरे धीरे ब्रीथ को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फोर्सफुली नहीं लेना है, फोर्सफुली छोड़ना नहीं है, खींच के नहीं लेना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, स्मूथली इनहेल एंड एक्सहेल। बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, कभी भी प्राणायाम में बैठे योर बैक शुड बी स्ट्रेट, नेक शुड बी स्ट्रेट, ट्राई करें कि बैक और नेक को पूरा स्ट्रेट रखें। लेफ्ट से एक्सहेल करके रिलैक्स करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, दोनों हाथ नीज पे, इनहेल करना है, कंप्लीटली एक्सहेल करना है, एक्सहेल करने के बाद चिन को लॉक करेंगे, एक्सहेल करने के बाद ब्रीथ को होल्ड रखेंगे, ब्रीथ ना लेना है ना छोड़ना है, इनहेल एक्सहेल ना लेना है ना छोड़ना है, चिन को लॉक, स्टमक इन, मूल बंद, एनएस मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है, जितना हो सके होल्ड रखना है, पेट को इतना अंदर लेके जाना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए बैक और पैक, आपका स्टमक और आपकी बैक स्टक हो गए, उतना अंदर खींचने की कोशिश करनी है और ब्रीथ होल्ड रखना है, ठीक है। जितना हो सके उतना करें, मैं 10 काउंट गिनूंगी, अगर बीच में छूट जाए इट्स ओके, ठीक है। दोनों हाथ नीज पे, कमर गर्दन सीधी, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल, लॉक योर चेन, बैक स्ट्रेट, स्टमक इन, ब्रीथ होल्ड, मूल बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले एनएस मसल्स रिलीज, स्टमक रिलीज, चिन लास्ट में जालंधर बंद। और एक बार करेंगे, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल, लॉक योर चिन, स्टमक इन, ब्रीथ होल्ड, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, मूल बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट टाइम 20 काउंट होल्ड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है जिनसे तो बीच में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना होता है करे, ठीक है। साला मैम एल्बो को स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं बैठना है, एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट पूरा, ठीक है, तो प्रॉपर से होगा, ऐसे करेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा। चलिए इनहेल, नी के ग्रिप से पूरा बैक को स्ट्रेट रखिए, कंप्लीट एक्सहेल, लॉक योर चेन, स्टमक इन, ब्रीथ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में शांति पाठ करेंगे। इनहेल ओ शांति 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 हरि ओम। रव्यो बोध पाम मसाज योर फेस रिलीज एंड रिलैक्स। नमस्ते थैंक यू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण।